हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बीएनपी लॉ क्लासेस। सो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, जो कल अपलोड किया था मैंने अपने चैनल पे, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, जो कि एमपी हायर जुडिशरी जिसका पेपर एमपी एचजेएस के नाम से होता है और जो कि अपकमिंग है 28 फरवरी को जिसका पेपर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोअर जुडिशरी का पेपर जिसकी 252 सीट्स नोटिफाई हो चुकी हैं, उसमें भी 10 क्वेश्चंस आते हैं लोकल लॉ से, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो जो कल मैंने पेपर डिस्कस किया था वो था आपका एमपी हायर जुडिशरी 2019 का पेपर, और जो अभी आपको स्क्रीन में पेपर दिख रहा है वो है 2018 का हायर जुडिशरी का पेपर। और आपको पता ही है कि मैं अपने वीडियोस में ना सिर्फ आंसर्स बताती हूँ, क्योंकि आंसर्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ 10-12 कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे बता देती हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आपका रिवीजन कंटिन्यूअसली बना रहेगा। तो आप इसको अंत तक देखिए, ये 100% वीडियो आपको बेनिफिशियल होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 250B ऑफ एमपीएलआरसी कोड इज। तो यहाँ पे पूछा है कि 250B सेक्शन जो है वो उसका क्या है, लाइक वो नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, कॉग्निजेबल एंड बेल नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। तो अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने सेक्शन नंबर 250B को अच्छे से बताया। वैसे सेक्शन नंबर 250B पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की प्लेलिस्ट में। वहां पे मैंने 21-22 वीडियोस ऑलरेडी एमपीएलआरसी पे बना चुके हैं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं। क्योंकि एचजेएस में जो एलआरसी एंड अकोमोडेशन वो सिर्फ प्री तक सीमित होते हैं, मेंस में इनका क्वेश्चन नहीं आता है, तो लोग जनरली बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पेपर जो कि जजमेंट राइटिंग है एंड इंटरव्यू में आपको लोकल लॉ को डीपली पढ़ना ही होगा, तो बेटर है कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ऑफेंस है 250B का वो क्या है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो 250B का ऑफेंस है वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब ये 250B जो है, ये सबसे पहले देखो आपको ये करना है कि आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से बिलोंग करता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। एमपीएलआरसी में टोटल 19 चैप्टर हैं और टोटल 264 जो हैं वो सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो 250B है ये आपके चैप्टर नंबर 18 में फॉल करता है, चैप्टर नंबर 18 में, ठीक है। और 250A भी पहले हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 2018 अमेंडमेंट के बाद 250B ही होता है, 250A अब डिलीट कर दिया गया है। और जो ये 250B है ना, इसकी मार्जिनल हेडिंग है फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलॉटी ऑफ लैंड टू बी एन ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जिसके फेवर में लैंड अलॉट हुई है, ठीक है, उस पे कोई और कब्जा कर लेता है और उसे वेकेट नहीं करता है, फेल कर जाता है वेकेट करने से, तो ऑफेंस होगा। और वो ऑफेंस क्या होगा ये सेक्शन 250B में आपको देखने को मिलेगा, और वो कैसा होगा यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, किस प्रकार का होगा। तो वो एक संज्ञेय अपराध होगा और वो अजमानतीय अपराध होगा, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से लास्ट वीडियो में, मतलब 2018 के पेपर एंड 2019 के पेपर दोनों से ही, दोनों में ही क्वेश्चन आया था। तो सेक्शन नंबर 250 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात करता है लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय कलेक्टर इज, ठीक है। तो लिमिटेशन पीरियड ऑफ अपील की बात कर रहा है। अब अगर मैं अपील की बात करूं तो सेक्शन नंबर जो है आपका 44 जो है ये डील करता है अपील, यहाँ से चैप्टर नंबर 5 जो कि सेक्शन नंबर 44 से लेके 56, 44 से लेके 56 चैप्टर कौन सा है 5, ये आपका डील करता है अपील रेफरेंस एंड रिव्यू से, सॉरी अपील रिवीजन एंड रिव्यू से। रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अपील रिवीजन एंड रिव्यू दिया हुआ है। उसमें भी अगर मैं बात करूँ अपील की तो अपील से डील करता है सेक्शन नंबर 44, ठीक है। और अगर लिमिटेशन ऑफ अपील की बात करूं तो सेक्शन नंबर 47 जो है उसकी मार्जिनल हेडिंग अलग से लिमिटेशन ऑफ अपील की दे रखी है, और अपील की जो अवधि है ना, जो लिमिटेशन है, अब किसी भी केस में 45 डेज ही होगी, मतलब अपील किसी के भी अगेंस्ट कहीं पे भी की जाए वहां पे अपील जो है वो उसकी अवधि अब 45 डेज की ही होती है,
ठीक है, तो पहले अगर 2018 अमेंडमेंट के पहले हम बात करें तो अपील की जो अवधि थी, लिमिटेशन थी, वो डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन अब 2018 के बाद जो अपील की अवधि है वो आपकी 45 days ही कर दी गई है। एक बात मैं आपको और बता दूं, सेक्शन नंबर जो 45 है वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट से? 2018 अमेंडमेंट से। कौन से सेक्शन की बात कर रही हूँ? सेक्शन नंबर 45 की बात कर रही हूँ। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शन नंबर, सेक्शन नंबर ऑप्शन सेक्शन नंबर 45 का हो, तो आप याद रखें सेक्शन नंबर 45 जो है वो डिलीट कर दिया गया है अमेंडमेंट 2018 की से। अब मैं अगर बात करूं कि इस पोर्शन से, मतलब चैप्टर 5 से और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस किस चीज के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है, जिसका प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 46 में, ठीक है, जो बात करता है नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स, मतलब कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, तो देखिए आपको कैसे पढ़ना है। आप बेटर है अपना बेरेट खोल लें, ठीक है, और बेरेक में अपना मार्क भी करते जाएं और उस प्रोविजन को रीड भी करते जाएं। अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, उस सेक्शन को रीड कर सकते हैं, वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, देन कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो के साथ। दिस इज जस्ट एन सजेशन, एंड आपको ठीक लगे तो आप करें। तो अभी मैं बात करती सेक्शन नंबर 46 की, जो बात करता है किस किस के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, मतलब किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होगी। तो ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसके 5 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। मतलब अगर लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे रखा है उस पे अगर कोई एप्लीकेशन को अलाउ करा जाता है या रिजेक्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। दूसरा होता है रिजेक्टेड एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, मतलब किसी ने कोई रिव्यू की एप्लीकेशन डाली थी और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसका रिजेक्शन का ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे, कोई स्टे के ऑर्डर को अलाउ करना या रिजेक्ट करना, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते अपील में। उसके बाद ऑफ एन इंटरिम नेचर, अगर कोई ऑर्डर जो है वो इंटरिम नेचर का है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। फिर पांचवा पॉइंट बोलता है पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29, 30, 104, 106, 114A, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 और 243, इनके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 5 जो जो कि अपील से डील करता है। यहाँ पे एक सवाल जो था वो लिमिटेशन के ऊपर था, लिमिटेशन हर केस में अब 45 दिन की ही होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि सेक्शन नंबर 45 जो है वो डिलीट हो गया है। फिर हमने डिस्कस किया कि सेक्शन नंबर 46 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि किस ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। वहां पे हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। तो ये तो थी हमारी पूरी अपील से रिलेटेड बात। कुछ और क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं आपके साथ सेकेंड अपील की भी बात डिस्कस करूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है कि विच इज द मेन सीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो मेन सीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होगी? वो ग्वालियर होगी। ऐसा कोई प्रोविजन आपको एमपीएलआरसी में देखने नहीं मिलेगा, बट एक कन्वेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपीएलआरसी कोड कब फोर्स में आया? तो ये बात मैं अपने काफी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1/7/1959 को ये कोड फोर्स में आया, 1 जुलाई 1959, ठीक है, 1st ऑफ जुलाई, लेट मी रेज दिस, ओके, 2 अक्टूबर 1959 को ये फोर्स में आया, ठीक है। तो ये लागू कब से होता है? 2/10/1959। तो ये 2/10 की डेट आप याद रखें। अब इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आ सकता है अपकमिंग एग्जाम में, वो ये है कि जो ये 2018 में एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, ये फोर्स में कब आई? तो ये आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वैसे ये जो सवाल है इसको भी मैं अपने डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये 2018 की जो अमेंडमेंट है इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लैंड रिलेटिंग टू विच क्लास ऑफ पर्सन इज नॉट
सोल्ड विदाउट दी परमिशन ऑफ कलेक्टर, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी लैंड बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं बेची जा सकती? ऑप्शंस आर शेड्यूल्ड कास्ट, दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब, तीसरा अदर बैकवर्ड क्लासेस, और चौथा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसका आंसर है शेड्यूल ट्राइब। अब मैं अगर बात करूं शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, तो MPLRC में जो शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों के पास, ठीक है, जो भी लैंड होती है उसे प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, मतलब अगर उनके पास कोई लैंड है शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों के पास, तो उसका ट्रांसफर आप बिना परमिशन ऑफ कलेक्टर से नहीं कर सकते। और ऐसे प्रोविजंस क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो ये शेड्यूल ट्राइब है, उन जो व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब में कवर होते हैं उनकी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो जो ये आपका सेक्शन सेक्शन नंबर अगर आप देखेंगे 165, ये बात करता है राइट ऑफ ट्रांसफर की, तो वहीं पे आपको ये बात भी देखने को मिलेगी कि शेड्यूल ट्राइब की जो व्यक्ति हैं उनके पास जो लैंड है उसको बिना परमिशन ऑफ कलेक्टर से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और ये कवर होता है आपका चैप्टर नंबर 12 से, मतलब ये पूरा प्रोविजन जो है ट्रांसफर कैसे करेंगे, कैसे बेची जाएगी, सब कुछ। तो ये आपका टेन्योर होल्डर के नाम से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो अब हम आते हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के 5 क्वेश्चंस पे। तो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पहले तो किस ईयर का है, तो ये 1961 का एक्ट है। टोटल इसमें 51 सेक्शंस हैं और टोटल इसमें 7 चैप्टर्स हैं और इसमें आपको 2 शेड्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात तो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये बात करता है अपील की। तो एन अपील शैल लाय फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट 2। किसको अपील की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, कलेक्टर को, रेंट कंट्रोलिंग कमिश्नर को या हाई कोर्ट को, ठीक है। तो जो RCA होता है जिसका जो अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 28 में, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। तो ये जो आप एग्जाम का पेपर जो आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप हायर जुडिशियल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ADJ बनेंगे, राइट। तो आपको ही आपके ही पास RCA के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब अगर मैं अपील की बात करूं तो अपील का जो प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर मैं लिख देती हूँ, चैप्टर 5, और जिसका अगर मैं स्पेसिफिक सेक्शन की बात करूं तो अपील आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 31 में देखने के लिए। और एक सेकेंड अपील का प्रोविजन भी यहाँ दे रखा है जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 32 में, ठीक है। तो याद कर लीजिए 31 एंड 32, सेक्शन नंबर 31, 32 और चैप्टर मैंने क्या बताया, चैप्टर मैंने बताया चैप्टर नंबर 5। अब मैं अगर अपील की बात करूं सेक्शन नंबर 31 की, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये जो सवाल है इसी सेक्शन से एक सवाल आपको कल के वीडियो में भी देखने को मिलेगा। मतलब ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2019 का पेपर है और वो पेपर था 2018 का पेपर है और वो 2019 का पेपर था। तो वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया था, फिर से मैं डिस्कस करती हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए, कि जो ये सेक्शन नंबर 31 है ये बात करता है अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और अवधि जो होगी मतलब लिमिटेशन जो दे रखी है वो है 30 डेज, ओके। मतलब मैं रीड करके बताती हूँ, एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड बाय द RCA। तो मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जा सकता है कि लिमिटेशन ऑफ अपील कितनी है, वो है 30 दिनों की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच प्रोविजन इज अप्लाइड इफ कोर्ट फाइंड्स बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर हिज रेसिडेंट पर्पस ओनली, ठीक है। तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा अगर बोनाफाइडी पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड की? तो देखिए, आपने अगर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का ओवरव्यू, एक मैंने वीडियो बनाया है आपको एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे चैप्टर वाइज बात की है कि कौन से चैप्टर में क्या चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन 12 की बात करूँ तो सेक्शन 12 जो है ये
लाइक बैकबोन है पूरे अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की। अब सेक्शन 12 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ग्राउंड्स मेंशन है जिन ग्राउंड्स पे जो लैंडलॉर्ड है वो इविक्शन का सूट लेके आ सकता है टेनेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसी में दो ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो ग्राउंड है वो है ई और दूसरा है एफ। ठीक है, तो ये दोनों बात करते हैं बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट। बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जेन्युइन रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी की। ठीक है, कि उसे रहना है या उसके बच्चों को रहना है, उसे बिजनेस करना है, उसके बच्चों को बिजनेस करना है, ठीक है, उसकी वाइफ को बिजनेस करना है एंड ऑल। या और उसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है कि उसके पास कोई और अकोमोडेशन नहीं है उस एरिया में रहने के लिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट। अब जो ई है ये बात करता है जबकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट होती है लैंडलॉर्ड की, और एफ जो बात करता है वो करता है कि जब नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट होती है लैंडलॉर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा अगर जो बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड की रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो अभी तो मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया वो था ई और एफ, ये क्या है, ये ग्राउंड ऑफ एविक्शन है। ठीक है, और इसी की अगर मैं बात करूं कि जब ई एफ जो है मतलब जो पी तक ग्राउंड्स दे रखे हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद सेक्शन 12 में बहुत सारे और सबसेक्शंस दे रखे हैं जो सबसेक्शन किसी ना किसी ग्राउंड से रिलेट करते हैं। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पहले तो आपको ए से लेकर पी तक सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1 में बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं, जैसे कि लैंड जो टेनेंट है उसने रेंट ना दिया हो तो जो लैंडलॉर्ड है वो एविक्शन का सूट ला सकता है, या जो टेनेंट है उसने सबलेट कर दिया हो या वो न्यूसेंस कर रहा हो या उसने एनक्रोचमेंट कर ली हो एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, उसके बाद कुछ सबसेक्शंस भी दे रखे हैं। उसी की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा सबसेक्शन है जो बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस की बात करता है। ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12, सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 12, सेक्शन सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 12 और नन ऑफ द दीज। तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट तभी आपको, मतलब आपको याद है अगर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट तभी आप कर पाएंगे। तो जब हम सबसेक्शन 5 की बात करेंगे वो बात करता है बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ओके, अगर मैं सबसेक्शन 6 की बात करूं तो ये बात करता है बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंडलॉर्ड फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। अब एक चीज और यहीं पे आप जान लीजिए कि सेक्शन 12 का सबसेक्शन 5 आपके 12K1K E के साथ पढ़ा जाता है और सबसेक्शन 6 जो है वो 12K1K F के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक 2 मंथ की ड्यूरेशन दी गई है जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको पूरा सबसेक्शन 5 रीड करके दिखाती हूँ। अपना बेयर एक खोल लीजिए और वहां पे मार्क कर लीजिए। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर एन ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन पोजेशन देयर ऑफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये क्या कह रहा है, सेक्शन 12(1)(e) में मैंने आपको क्या बताया कि लैंडलॉर्ड के पास अगर बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट है अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी अकोमोडेशन की, तो वो सूट लेके आ सकता है कि देखिए मुझे ज़रूरत है और मैं एक बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट लेके आ रहा हूँ, मतलब मेरे पास कोई और अकोमोडेशन नहीं है जहाँ पे मैं अपने खुद रह सकूँ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 की, तो 5 में तो सिर्फ रहने की बात है रेजिडेंशियल की, तो उसके पास उस टाउन उस एरिया में कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, उसने ऐसी बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट शो कर दी। उसके बाद एक ऑर्डर पास हो गया, अब ऑर्डर पास हो गया कि टेनेंट को एविक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जो है ना ऑर्डर वो 2 महीने के बाद ही, मतलब जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके 2 महीने के बाद तक जो है वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, जो 2 महीने के बाद ही उसे खाली करना होगा। अब ये 2 महीने का टाइम क्यों दिया गया है, 2 मंथ्स का टाइम, ताकि वो अपना कहीं और अकोमोडेशन ढूंढ ले। ठीक है, तो पजेशन कब ऑब्टेन कर सकता है लैंडलॉर्ड, वो 2 महीनों के बाद ही पजेशन को
ऑप्टेन कर सकता है, या 2 महीने का टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, जिस दिन ऑर्डर पास किया गया है इन द फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 82 में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली। अगर आपने अपना बेरेक खोल रखा होगा तो आपने काफी सारी चीजें मार्क भी कर ली होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इज अप्लाइड। ऑप्शंस आर अकोमोडेशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा अकोमोडेशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस, तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, चौथा नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने चैप्टर नंबर 1 पे बनाया था, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और उसी का पार्ट 2 है, मतलब फर्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपके साथ सेक्शन नंबर 3 ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 डिस्कस किया था। अब सेक्शन नंबर 3 जो है ना, वो बात करता है कि ये जो पूरा एक्ट है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। मैं प्रॉपर्टी वर्ड बार बार यूज करती हूँ, उसकी जगह अगर आप अकोमोडेशन रिप्लेस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है वो कौन कौन से अकोमोडेशन पे नहीं लगेगा, ठीक है? तो ना ही वो कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन पे लगेगा, ना ही ऐसे अकोमोडेशन पे लगेगा जो कि लोकल अथॉरिटी का हो और नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो, ना ही किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लगेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके एक्सक्लूड कर दिया हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको और अगर इस सेक्शन में बताऊं तो क्या इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि कहाँ कहाँ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, हमने देख लिया। लोकल अथॉरिटी जो कि नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती हो उस पे नहीं लगेगा। देखिए, आप जहां भी रहते होंगे आपको पता होगा कि कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है? अब वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है, उन पे सपोज फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेस हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वो लोग किराए पे दे रहते हैं, ठीक है? तो अगर वो किराए पे दी गई हैं नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है, मतलब कोई ऑफिस वगैरह खोलने के लिए, तो उस पे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही लोकल अथॉरिटी की जो बिल्डिंग्स हैं उनको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है, मतलब उसमें कोई रह रहा है, तो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई होगा। तो इस पॉइंट को आप ऐसे याद रखिए, कोई अपने दिमाग में आपको कोई बिल्डिंग याद हो तो उसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूं और किस किस पे रहेगा, तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 बात करता है द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एनी अकोमोडेशन विच इज ओन्ड बाय एजुकेशनल रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और बाय एनी नर्सिंग और मेटर्निटी होम द होल ऑफ द इनकम डिराइव फ्रॉम विच इज यूटिलाइज फॉर दैट इंस्टीट्यूशन और नर्सिंग होम और मेटर्निटी होम। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से किस किस को एग्जेम्प्ट कर सकती है, ये एग्जेम्प्ट कर सकती है कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, उसके साथ कोई भी नर्सिंग या मैटरनिटी होम जो होता है, मैटरनिटी होम जो होता है इसको भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। इस पे एक बार लगी हुई है, राइडर लगा हुआ है कि इससे जो भी इनकम आ रही हो वो इनकम उसी के लिए यूटिलाइज की जा रही हो, ठीक है? और अगर आपको सेक्शन 3 को डिटेल में समझना है तो इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात करता है एज पर सेक्शन 14 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द टेनेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 कैन सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ अकोमोडेशन, दूसरा कैन ट्रांसफर और साइन हिज राइट इन द टेनेंसी, तीसरा कैन नॉट सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ अकोमोडेशन विदाउट द प्रीवियस कंसेंट एंड राइटिंग ऑफ लैंडलॉर्ड, चौथा कैन सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ अकोमोडेशन विदाउट द प्रीवियस कंसेंट एंड राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, अगर आपको सपोज सेक्शन 14 नहीं पता है, मैं मान के चलती हूँ कि आप हायर जुडिशियल के एस्पिरेंट हैं, आपने
एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपको सेक्शन 14 नहीं पता है कि ये किस चीज में बात करता है, ये कौन से चैप्टर में फॉल करता है, तब भी इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? कि यहाँ पे सब रेटिंग की बात की जा रही है कि क्या सब रेटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, और आपने अगर सेक्शन नंबर 12 पढ़ा हो तो आपने 12 के 1 का बी पढ़ा होगा कि अगर जो टेनेंट है वो सबलेटिंग कर देता है जो अकोमोडेशन उसे दिया गया है उसकी बिना परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड के, तो उस वो एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन बनाया बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं मान के चलती हूँ कि आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो आपने सेक्शन 12 के ग्राउंड्स तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि वो आपके जजमेंट राइटिंग के लिए आते हैं, मतलब पेपर 4 ऑफ मेंस। तो आपको ये बात पता चल गई कि वो एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन होता है, तो उसी से आप पता कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात होगी कि जो टेनेंट टीनेंट है उसे बिना परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड के जो अकोमोडेशन है उसे रेंट पे देना अलाउ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ अकोमोडेशन विदाउट प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले कैन था, अब एक ही ऑप्शन में कैन नॉट है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, अब मैं अगर सेक्शन 14 की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये जो सेक्शन नंबर 14 है ये चैप्टर नंबर 3 में फॉल करता है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 11 ए से और खत्म होता है सेक्शन नंबर 23 पे। ठीक है, और सेक्शन नंबर 14 जो है और 15 जो है ये दोनों के दोनों सब टेनेंसी से बात करते हैं, मतलब सब लेटिंग की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 14 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन सब लेटिंग और सेक्शन नंबर 15 बोलता है नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टेनेंसी। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 भी इसी से रिलेट करता है और वो बोलता है सब टीनेंट टू बी टीनेंट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो यहाँ से 14 15 प्लस 16 यहाँ से एक मेन्स का क्वेश्चन बनता है। ये एमपी सीजे वालों के लिए मैं बता रही हूँ, एमपी सिविल जज वहाँ उसके लिए बता रही हूँ कि एक मेन सा क्वेश्चन भी बनता है, तो आप याद रखें। और एमपी एचजेएस के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको इतना याद रखना है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्शन है जो सब टीनेंसी से डील करते हैं, तो सेक्शन 14, 15 एंड 16 बात करते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोटिस से कौन सा सब टीनेंसी के लिए नोटिस से कौन सा सेक्शन डील करता है, तो आपको बताना है सेक्शन नंबर 15। या आपसे ये पूछा जाए कि कब जो सब टेनेंट है वो टेनेंट बन जाएगा, तो वो डील करता है सेक्शन नंबर 16 से। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 84 से रिलेटेड सब कुछ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आज के इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करती हूँ। ये बात करता है एक्ट 1961, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 शेल नॉट अप्लाई टू सच अकोमोडेशन। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये लोग क्या करते हैं, ये पेपर बनाते हैं बट पेपर को बहुत अच्छे से रीड नहीं करते हैं, राइट? अब सेक्शन नंबर 3 से वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, और फिर से वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको सेक्शन नंबर 3 डिस्कस किया। सेक्शन नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे अकोमोडेशन स्पेसिफाई हैं जिन पे अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है विच इज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, हाँ जी अगर प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट है तो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, हाँ जी अगर कोई लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है उस पर भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तीसरी बात करता है विच इज ओन्ड बाय एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट वाइड सम नोटिफिकेशन, हाँ जी अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई मैटरनिटी होम है, कोई नर्सिंग होम है, अगर उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो उस पे भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लगाया जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन। आई होप कि इन 10 क्वेश्चन के साथ आपको 10 या 20 और भी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं कभी ऐसा बोलती नहीं हूँ कि आप लाइक करें एंड ऑल, बट अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।